नमस्ते सभी को। बहुत ही बढ़िया चर्चा चल रही है और हम लोग इसको हिंदी में कंटिन्यू करते हैं। भैया हिंदी का स्लाइड लगा दीजिएगा। तो अभी हम लोग अभ्यास दो कर रहे हैं। अभ्यास दो में स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं और इसी क्रम में चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। दृष्टा चैतन्य ही है, इस बात को हम लोग पहले भी अपने ध्यान में लाते रहे। उसी क्रम में हमने चैतन्य को चैतन्य द्वारा देखने का अभ्यास अभ्यास एक में किया और उसमें मुख्य रूप से अपने भाव पे ध्यान दिया और भाव में परिमार्जन के लिए प्रयास किया। उसी सजगता के साथ अब हम मैं और शरीर यानी जड़ और चैतन्य इन दोनों वास्तविकताओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो शरीर की ओर ध्यान दे रहे हैं। इसके स्टेप वन में हमने मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का प्रयास किया, ताकि जड़ का जड़ के रूप में होना, चैतन्य का चैतन्य के रूप में होना हमें ध्यान में आ जाए, कम से कम इसे जांच परख शुरू हो जाए। प्रस्ताव के रूप में हमारे पास सूचनाएं हैं, परंतु उसको स्वयं में देखने के लिए प्रयास अभ्यास आवश्यक है। उस काम को अभी हम कर रहे हैं। स्टेप वन में हमने देखा कि मैं हूँ एक चैतन्य काय के रूप में और इसे मैं कैसे पहचानता हूँ, चैतन्य क्रियाओं को देखने के आधार पर। शरीर है एक जड़ इकाई के रूप में, इसे मैं कैसे पहचानता हूँ, शरीर से आने वाली सूचना के आधार पर जिसको संवेदना कह रहे हैं। और मैं और शरीर ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इसको देखने समझने के लिए हम लोगों ने काफी सारा अभ्यास किया, चर्चा की। इससे आगे बढ़ते हुए अब हम स्टेप टू पे गए। स्टेप टू पे हम लोगों ने फिर मैं और शरीर के बीच होने वाले आदान प्रदान को देखना शुरू किया। मैं और शरीर के बीच क्या आदान प्रदान हो रहा है, कुछ हैंड्स रेज हैं, मुझे लगता है कि पहले से ही है, मैं अभी लोअर कर देता हूँ। किन्हीं का अगर फ्रेश कोई क्वेश्चन हो, ऑब्जर्वेशन हो, तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी सूर्यकांत जी अभी प्रश्न ले लेते हैं। तो मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखना है, किस प्रकार हो रहा है। तो मैं और शरीर के बीच आदान प्रदान हो भी रहा है कि नहीं, पहले तो इसको देख लें। जैसे आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये किस प्रकार हो रहा है, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है या इसमें मैं और शरीर का कोई आदान प्रदान शामिल है। तो किस प्रकार हो रहा है, अगर इसको देखने जाते हैं तो दिखता है कि मैं शरीर को संकेत देता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, शरीर को संकेत दे रहा हूँ, उठा हूँ, बैठा हूँ, शरीर को संकेत दिया है मैंने। और जिन संकेतों को महत्वपूर्ण मानता हूँ उनको शरीर को देता हूँ। तो आप पाएंगे हमारे अंदर कुछ भाव बने रहते हैं, कोई ना कोई विचार चलता रहता है, ठीक, परंतु उसमें से हर विचार को हम निर्णय तक नहीं ले जाते कि शरीर को संकेत देना है, ना शरीर को संकेत देते हैं। तो जैसे आप घर का कोई काम कर रहे हैं, परंतु कल घटी कोई घटना आपके विचार में है, उस पर आप ध्यान दे रहे हैं, साथ में आप घर का काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, कमरा ठीक कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, ठीक, आप कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, बट पहले कोई विचार आपके अंदर चल रहा है। तो जिन संकेतों को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ उन संकेतों को मैं शरीर को देता हूँ, शरीर से जो काम लेना चाहता हूँ उसे वैसा संकेत देता हूँ कि नहीं। तो विचार तो हमारे अंदर बहुत सारे चल रहे हैं, ठीक है ना, भाव कोई ना कोई बना हुआ है, परंतु उस समय जो शरीर को जितना संकेत देना आवश्यक लगता है उतना देते हैं। और संकेत एक सूचना है, तो मेरे द्वारा शरीर को जो दी जा रही है वो सिर्फ एक सूचना है। वैसे शरीर में जो घटना घट रही है उसी आधार पर मैं संवेदना को पढ़ता भी रहता हूँ। तो संवेदना हो रही है, उन संवेदनाओं को अगर मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, उनका मैं आस्वादन करता हूँ, और इस संवेदना भी सूचना है। तो आप पाएंगे कि जैसे आप बैठे हुए है ना, दो मिनट में आपने पोस्चर बदल दिया, एक संवेदना आ रही है कि पैर में झनझनाहट होने लगी या शरीर किसी भाग पर ज्यादा जोर पड़ रहा है। आप लेटे रहते हैं, कवर बदलते रहते हैं, बैठे रहते हैं, पोस्चर बदलते रहते हैं, कोई काम कर रहे हैं तब तो अलग अलग तरह से शरीर के हम पोस्चर को बदलते ही रहते हैं। तो शरीर से हमें संवेदना मिलती रहती है और आप पाएंगे कि शरीर के हर अंग में संवेदना है, क्या हो रही है,
हर अंग में क्रिया है, हर अंग को बनाने वाले टिश्यू में क्रिया है, टिश्यू पे उसमें जाए तो विस्तार में जाए तो कोशिका में क्रिया है। और जैसा हमने सुना भी है कि परमाणु से बना हुआ है कोशिका, भले हमने आंखों से ना देखा हो उन परमाणुओं में भी क्रिया है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें शरीर के हर अंग में संवेदना दिखाई देती है, क्योंकि हमें महत्वपूर्ण नहीं लगता इसलिए हम हर संवेदना को नहीं पढ़ते। शरीर एक साधन की तरह जिन संवेदनाओं को पढ़ने से काम करता रहे हमारे अनुसार, उतने संवेदनाओं को हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीजों को हम इग्नोर करते चलते हैं, जो महत्वपूर्ण लगता है उसको पढ़ते हैं, है ना। हर एक संवेदना को हर क्षण पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, जितना महत्वपूर्ण लगता है उतना पढ़ते हैं, परंतु ध्यान देते हैं तो शरीर के हर अंग में संवेदना दिखाई देगी। और इस संवेदना भी एक सूचना है जो मुझ तक पहुंच रही है, एक सूचना है। तो शरीर में अगर होने वाली क्रिया को देखें, जैसे संवेदना करें उसको सूचना नहीं करें, जो मुझ तक पहुंच रही है उसको सूचना करें। तो संवेदना शब्द का प्रयोग दो प्रकार से हुआ है, एक तो शरीर में जो घटना हो रही है उसे भी संवेदना कह रहे हैं, और जो संवेदना जो सूचना मुझे मिल रही है उसे भी संवेदना कह रहे हैं। तो ये जो मुझे मिल रहा है शरीर से वो भी एक सूचना है। तो मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है सिर्फ सूचना का हो रहा है, ये भी अपने आप में देखने की बात है। क्या कोई भौतिक रासायनिक वस्तु का आदान प्रदान भी हो रहा है? इसमें जब आप देखने जाएं कि भौतिक रासायनिक वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है या नहीं, तो वहां पर मैं और शरीर को अलग अलग वास्तविकता के रूप में देख पाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नहीं तो हमको लगता है कि ये जो मैं निर्णय लेता हूँ ये भी कुछ फिजियोकेमिकल है, शरीर में जो हो रहा है वो भी कुछ फिजियोकेमिकल है, थोड़ा सा और उसको क्वालिफाई कर दें तो इलेक्ट्रिकल फिजिकल केमिकल है, कुछ ऐसा हो सकता है तो कुछ ब्रेन में हो रहा है। अब ये जो कुछ भी हो रहा है सब ब्रेन में ही हो रहा है या मुझ में हो रहा है, तो मुझ में क्या हो रहा है, ब्रेन में क्या हो रहा है, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इस क्रम में ब्रेन को भी समझना बनता है। तो ब्रेन पे अगर आप स्टडी करें तो जो कुछ भी रिसर्च हुआ है उसका क्या आउटकम है उसको भी हम एक सूचना के रूप में ले सकते हैं और अपने आप में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, बारीकी से देख भी सकते हैं कि जो शरीर से आदान प्रदान कर रहा हूँ मैं कहाँ कर रहा हूँ, किस प्रकार कर रहा हूँ, क्या मैं हृदय में कर रहा हूँ, पेट में कर रहा हूँ, लीवर में कर रहा हूँ, है ना, लंग्स में कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ। तो शरीर के जिस अंग से मैं आदान प्रदान कर रहा हूँ उस अंग को और स्टडी करेंगे, अगर ब्रेन के माध्यम से कर रहा हूँ तो ब्रेन को स्टडी करेंगे, अपने आप में देखेंगे कि नहीं। तो इस आदान प्रदान को जितनी सूक्ष्मता से आप देखने जाएं तो ग्रॉस लेवल पे तो पता चलता है, जो शरीर से संवेदना को हम पढ़ते भी हैं उससे पता चलता है कि हाँ शरीर में हरकत हो रही है, मैं आंखों से देख पा रहा हूँ, अभी मेरा निर्णय है ये मैं अपने आप में कंक्लूड कर पाता हूँ। परंतु किस प्रकार मैंने शरीर को संकेत दिया, किस प्रकार शरीर से मुझे संकेत मिला, इसको तो बारीकी से देखने के लिए थोड़ा समय लगाने की जरूरत है, अवसर निकालने की जरूरत है। क्या हो रहा है मुझ में, क्या हो रहा है शरीर में, शरीर के किस अंग के साथ सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, ये सारा कुछ स्वयं में देखना बनता है। तो जैसे बात होती रहेगी, सूचना तो हमें मिल जाती है बाहर से, प्रस्ताव हमें मिल जाते हैं, परंतु मुख्य मुद्दा है स्वयं में देखने का, जिससे आश्वस्ति होती है, जिससे ज्ञान होता है, जिससे समाधान बनता है। जी भैया, तो जैसे शरीर और सेल ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, तो इस दोनों में दूरी भी है। तो ये जो शरीर है फैला हुआ है 5 फीट 6 फीट जो भी है लंबाई उसका, तो हम ये फिजिकल देख पा रहे हैं, लेकिन ये चैतन्य को तो हम फिजिकली देख नहीं पा रहे हैं, उसको अनुभव कर पा रहे हैं। जी, अनुभव ना कहें पर उसको भी देख पाते हैं। अच्छा, अभी हम इसके बारे में कुछ हमको संकेत मिलते हैं जी, बट वो संकेत हमको इतने स्पष्ट नहीं मिलते कि हम कहें कि हमें ज्ञान हो गया। अच्छा, तो एक तो हमें सहज रूप से स्वीकार ही नहीं होता कि शरीर मात्र हूं मैं। जी, छोटे बच्चे को भी नहीं स्वीकार होगा, आप अगर ठीक से पूछेंगे ना वो भी मना कर देगा कि नहीं। तो हमें ये सहज रूप से स्वीकार नहीं होता कि मैं शरीर मात्र हूं, ठीक, पर यदि शरीर नहीं हूं तो क्या हूं ये स्पष्ट नहीं होता, फिर ये सारा कंफ्यूजन रहता है कि संकेत है तो कहाँ है, किस प्रकार है, उसको अध्ययन करना बनता है ना। देखिए मुख्य बात है कि इसका हमको प्रायोरिटी बन जाए, अगर हमको लाइफ में प्रायोरिटी बन जाए
और हम इस बात को अपने आप में तय कर लें कि मानना नहीं है, जांचना है। तो कोई बात बाहर से हमें मिल रही है, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी पुस्तक के द्वारा, उसको हमको अपने आप में देखना है, किसी परंपरा के द्वारा उसको अपने आप में देखना है, न कि उसको मानना है। तो फिर हमारा अपना जो आचरण है वो धीरे धीरे उस पर आकृष्ट होने लगता है, वो हमारा एक ध्रुव बिंदु बन जाता है हमारे जीने का, हम उस चीज को आधार बना के जीना शुरू करते हैं। तो उससे हमारा तो उपकार होता ही है, संबंधों का भी उपकार होता है, समाज का उपकार होता है, और हमारी योग्यता भी बढ़ती है। किसी पॉइंट पे हम चीजों को जैसा वैसा देख पाते हैं, तो हमें भाव का चिंतन होता है, व्यवस्था का बोध होता है। ठीक, व्यवस्था के बोध के क्रम में चैतन्य जड़ इकाई का स्पष्ट होना भी बनता है, क्योंकि बोध जब भी होगा तो इकाई की जो स्वयं में व्यवस्था है उसका होगा, तो इकाई स्वयं स्पष्ट हो तो जड़ जड़ के रूप में दिखता है, चैतन्य चैतन्य के रूप में दिखता है, उसी प्रकार से चारों अवस्थाएं दिखाई देती हैं। फिर उनका आधार भी दिखता है, शून्य किस प्रकार से है, किस प्रकार शून्य में बने हुए, ये भी दिखाई देता है। तो जी भैया, अभी जो अमोल जी से जो बात हो रही थी कि जैसे ह्यूमन बॉडीज की जो सेंसरी ऑर्गन्स की कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ है आज से 2-3 हजार सालों के बाद में, धीरे धीरे फिर हमारे टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ये डेवलप होते होते हम लोगों का इतना डेवलप हुआ है, तो सेल्फ तो तब भी था 2-3 हजार साल पहले, आज भी है, तो उस वक्त के सेल्फ में तो इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, मतलब डेवलपमेंट नहीं थी बोलने से मतलब कि वो बॉडी की इतनी रिक्वायरमेंट्स, इतनी एडवांस चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी की बात जो करते वो नहीं, सिंपल सा था, अभी इतना है। तो हमारा जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन या डेवलप होते आया है, तो वैसे ही सेल्फ की भी क्या अलग दुनिया है, क्या वो भी उतनी ही डेवलप हुई हो सकती है, कि ऐसी एक बात आई थी मन में। देखिए अभी भी हम देखे हैं, अभी हम देखे है ना, पिछले 40-50 साल में देखिए तो सुविधाएं कितनी बदल गई हैं कि नहीं, कितनी बढ़ गई हैं सुविधाएं, बट जीने की क्वालिटी को आप देखिए समाज में, तो क्या लगता है कोई क्वालिटेटिव शिफ्ट हुआ है? विरोध का भाव, प्रतिशोध का भाव, हिंसा का भाव, सब तो बना ही। तो अभी क्या हुआ, 400-500 साल पहले ये जिस तरह का हमने रिसर्च किया जड़ इकाइयों पे, उससे बहुत सारे हमने संयंत्र साधन बना लिए, उसका हम प्रयोग भी कर रहे हैं। ठीक, और उसका प्रयोग करने के साथ जिन चीजों के लिए हम शरीर पे निर्भर थे, वो निर्भरता हमारी शरीर पे कम होती गई। जैसे आप पहले देखें तो, अगर बहुत पहले जाए, जब हमने कपड़े का भी इजाद नहीं किया था, ठीक है, तो हम किस प्रकार से शरीर को संरक्षण देते थे, उसके अनुसार हमारे शरीर की एक तरह की बनावट थी। ठीक, जब कपड़े का इजाद हो गया तो त्वचा का उतना रोल नहीं था शरीर को बचाने में, तो शरीर के में थोड़ा परिवर्तन हुआ। फिर हम लोग को हर जगह पैदल चल के आना जाना पड़ता था, वाहन नहीं थे इतने, तो अंगों का विकास एक तरह से हुआ था, अब वो अंग उतना प्रयोग नहीं आता। तो साधनों के बढ़ने से अधिक से अधिक जो परिवर्तन हुआ है, या देखिए प्राइमरीली जो परिवर्तन हुआ है वो शरीर में हुआ है। अगर हम अपने में आप भी देखें कि ये जो पूरा हमने शरीर यात्रा जिया, मेरे स्वयं में क्या परिवर्तन हुआ है क्या अचीवमेंट हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो उसको ट्रेस करना कई बार मुश्किल लगेगा। कि सूचनाएं बढ़ती गई हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ, परंतु भाव में कोई हो सकता है अनिवार्य रूप से कोई परिमार्जन हो गया हो, ऐसा नहीं है। ठीक, कोई बात हमको दिख गई हो, ऐसा नहीं है। तो सेल्फ में इवोल्यूशन उसी प्रकार से हुआ है जैसा जड़ इकाइयों में, तो ऐसा नहीं है। युद्ध 5000 साल पहले भी हो रहे थे, भाई भाई का झगड़ा पहले भी था, आज भी है, युद्ध पहले भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं, और मुद्दे वही सब है कि नहीं जी। अभी यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है ना, मुद्दे वैसे ही हैं कि भाई ये जमीन हमारी है, उत्तराखंड जमीन हमारी है, कोई दूसरा है जो कह रहा है कि तुम दोनों आपस में लड़ो, हमें हथियार बेचना है तुम्हें। ठीक, तो अभी ये सारे मुद्दे यथावत हैं अगर वैसे देखें तो आप, बट अगर आप चैतन्य इकाई में किसी किसी इकाई को देखने जाएंगे तो वहां परिमार्जन आपको दिखाई दे सकता है। इसे हम स्वयं में ही देखें तो हमें परिमार्जन दिखाई दे सकता है, यहाँ परिमार्जन हो रहा है। तो अगर हम अपने आप को शरीर मान के जिए, जड़ इकाइयों से ही सुख पाने जाए,
अल्टीमेटली जड़ इकाइयों में तो बहुत सारा परिवर्तन दिखाई देगा, बट हमारे स्वयं में परिमार्जन नहीं हो पाएगा। ये कठिनाई तो दिखाई दे रही है नहीं। अभी आप उठा के देखिए मुद्दे, अगर आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़िए है ना, और शुरू से अभी तक पढ़े तो देखिए कि वही सारे मुद्दे बने हुए। संबंध की जगह विरोध का भाव, व्यवस्था की जगह अव्यवस्था के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है ना, और अपने आप में कन्फ्यूजन बने रहते हैं, मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, शून्य क्या है, उसको कोई सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाई देता जी। एक तरह के मानना से शिफ्ट होकर दूसरे तरह के मानने पे आ जाते हैं, दूसरे से तीसरे तरह के मानने पे आ जाते हैं। तो सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन मुख्य मुद्दा है। ये होता है तो फिर उसके अनुसार सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था है ना, इसमें परिवर्तन दिखाई देता है। ये नहीं होता तो अलग तरह से दिखाई देता है। हाँ, विचारों में हमने कुछ काम तो किया है, ये आपको दिखाई देगा, बहुत सारा काम हुआ है, ठीक। परंतु जो बातें प्रस्ताव के रूप में सत्य के अर्थ में कही गई, समाज अब इस दिशा में आकृष्ट कम दिखाई देता है, तो उस पर काम करने की जरूरत है कि हमको सत्य का ज्ञान हो जाए, हमारे अंदर प्रेम का भाव हो जाए, करुणापूर्वक जीना हो जाए। इस दिशा में प्रयास कम दिखाई देता है, लोगों ने किया है, व्यक्तिगत रूप से भी किया है, समूह के रूप में भी किया है, परंतु कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ गया हो ह्यूमन सिविलाइजेशन में तो ऐसा कम दिखाई देता है। सुविधाओं में परिवर्तन ढेर सारा दिखाई देता है। पहले जिस प्रकार से युद्ध होते थे है ना, और अभी जिस प्रकार से युद्ध होते हैं उसमें काफी अंतर है। अभी 10-20 साल बाद जिस प्रकार से युद्ध होंगे उसमें और ज्यादा अंतर आ जाएगा। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जिस तरह से काम हो रहा है, अगले 20 सालों बाद आप देखेंगे कि युद्ध का बिल्कुल तकनीक बदल जाएगा। जहां अभी सैनिक जाके लड़ रहे हैं वहां रोबोट जाके लड़ रहे होंगे। तो ये सब तो परिवर्तन चल रहा है, परंतु विरोध के भाव में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ गया हो, हमारे अंदर प्रेम का भाव जग गया हो, करुणा का भाव जग गया हो, ऐसा नहीं दिखाई देता। तो आज हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। इसका प्रयोजन यही है कि जो भी हमारे अंदर द्वंद्व है, जो भी हमारे अंदर शंका है, उसका निवारण हो और हम धीरे धीरे अपने आप में चीजों को देख पाए, है ना। ये सारा कुछ एक प्रस्ताव है हमारे अपने जांचने के लिए, परंतु जांचने वाली इकाई, देखने वाली इकाई आप है, आपको ही देखना है। और हमको इस पे अब आने की जरूरत है कि मुझे वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना है। बाहर से जो कुछ मिल रहा है वो प्रस्ताव है कि नहीं, बढ़िया। तो आज हम लोग इस अभ्यास को करें, जो स्टेप टू पे जितनी बातें की गई हैं कि शरीर से आने वाली सूचना को देखें, मेरे द्वारा दी जाने वाली सूचना को देखें, और इस बात को अगर देख पाए कि कुछ भी भौतिक रासायनिक नहीं है, सिर्फ सूचना है, तो बहुत ही अच्छा। इसको हम देखते भी जाएं और इसको डॉक्यूमेंट भी करते जाएं अपने लिए। तो ये जो बात हो रही है ना कि सेल्फ में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ इतने सारे साधनों बढ़ने के साथ, क्योंकि ये जो मूल मुद्दे हैं वो हमारी प्रायोरिटी नहीं बन पाते, इसलिए इसको प्रायोरिटी बनाना जरूरी है। हमें भी अपनी पूरी आयु में सेल्फ में क्या परिमार्जन हुआ उसका लेखा जोखा रखना जरूरी है। तो जो आप जर्नल बना रहे हैं वो आपके लेखा जोखा रखने में भी हेल्प करेगा कि आपके सेल्फ में यानी आप में क्या परिवर्तन हुआ, क्या परिमार्जन हुआ इतने समय के साथ। जी बहुत ही बढ़िया, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। चर्चा यहीं रोक लेते हैं।